हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। एक मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, वीडियो थोड़ी सा पुराना है लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो ज्योतिराव सिंधिया जी ने अतिथि शिक्षकों के साथ वादाखिलाफी की है, ठीक है, उसको लेकर ये वीडियो है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे आप तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। इसमें ज्योतिराव सिंधिया जी ने जो अतिथि शिक्षकों के साथ वादाखिलाफी की है उसके संबंध में वीडियो है, ठीक है, देखिए। हैं जुड़े हैं अतिथि शिक्षक जो हैं और काफी समय से मांग कर रहे हैं नियमितीकरण की। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है जब कांग्रेस में हुआ करते थे तब वो पहुंचे थे पंडाल में और वादा किया था कि जो है मैं आप लोग का आपका हक दिलाऊंगा। बीजेपी में आ गए हैं, कैबिनेट में है, जो है केंद्र सरकार में, लेकिन हक अभी तक मिलता दिखाई नहीं दिया है। देखिए, अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक दोनों आंदोलन से मैं बहुत करीबी से जुड़ा हूँ और मैं तत्कालीन सरकार से लड़ा भी हूँ। मैं कमलनाथ जी और जीतू पटवारी से लड़ा हूँ कि इन लोगों के साथ आपने अन्याय किया। उस समय जब सिंधिया जी ने बोला कि मैं इनके लिए रोड पे आऊंगा तो मुझे बड़ी उम्मीद जगी थी कि माननीय सिंधिया जी इनके लिए रोड पे आएंगे। सरकार बदली, वो बड़ी पावर पोजिशन में और आज भी वो सुपर सीएम है मध्य प्रदेश में, उसके बावजूद अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों की समस्याओं पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपने उनका इस्तेमाल किया, आपने भावनाओं से खेला उनकी और आपने बोला कि मैं आपके लिए रोड पे आऊंगा और आपने इस बहाना लेकर आपने सरकार गिरा दी, अच्छी भली जो सरकार चल रही थी, और अब आप उनकी समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो ये आपकी खुद की इमेज डेंट होगी। और मुझे तो खबर है कि भाई संघ जो है सिंधिया जी को मध्य प्रदेश का नेक्स्ट सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने वाला है, और यदि इस तरीके से आप अपने वादों से मुकर जाएंगे तो जनता आपको वोट नहीं देगी, युवा आपको वोट नहीं देगा। यदि यदि भाजपा उनको प्रोजेक्ट भी करती है सीएम के लिए तो मुझे नहीं लगता कि युवा उनको वोट देगा।